कुल्लु नफसीन जायकतुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तारीख आपको मौका दे रही है, अपना मजहब बदल लो, अपना वक्त बदल लो। एक काले पत्थर के लिए इतना मोह, वो काला पत्थर नहीं है, वो इस जगत का परम पिता है। हमारे प्राण के नाथ तो शिव है। मंदिरों के टूटने से धर्म का अंत नहीं होता। सनातन हमारा सुख नहीं, सौभाग्य है। मेरा ख्वाब तख्ते हिंद है, सिर्फ गुजरात नहीं। आदिपुर के ग्रामजनों ने सात सात पीढ़ियों से आदिनाथ भगवान और शत्रुंजय पर्वत की रक्षा की है, किंतु अब गुजरात की पावन धरती पर अलाउद्दीन खिलजी के कदम पड़ चुके हैं। ईश्वर खंडन और सर्जन से कोई मोह नहीं है, लेकिन जब इंसान की आस्था मिट्टी में मिलने लगती है ना, तब उसका सीना धरती की तरह फटने लगता है। श्री सुरेश्वर जी से कहिएगा कि अब आदिनाथ दादा की रक्षा बारोटों की जिम्मेदारी है। ये दादू बारोट का आपको वचन है। फिर तो आपकी आफत का नाम ही अलाउद्दीन खिलजी है। केसरिया करने का समय आ गया। और रणभूमि से सीने पर घाव लेकर नहीं आया तो इस कुल पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। बेटा तुम देखना, जिस दिन रणभूमि में लड़ूंगा उस दिन ऐसा लड़ूंगा कि आने वाला समय भी कहेगा। खिलजी को यहाँ की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मेरी वीर पुत्रियों, ये केसरिया करने का वक्त है। मेरे वीरों, अब सभी स्वर्गपुरी में ही मिलेंगे और वहीं साथ में बैठकर वीर रस पिएंगे। और खोडियार सहायता करेगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता कही थी, जीवित रहने के लिए अगर किसी और का धर्म स्वीकार करना पड़े, उससे कहीं अच्छा है कि अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर जाना।